सबसे पहले मैं सिद्दीक कैसर साहब हुसैन देशमुख जी और मरहूम सैयद निसार भाई जो नगर सेवक थे उनका इंतकाल हुआ उसके लिए मैं अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ताजियत पेश करना चाहता हूँ। आज की इस मीटिंग में हम सब की दुआ कि अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आज की इस मीटिंग में मौजूद यहाँ के नगर अध्यक्ष मोगला जी श्री शिरवार जी, उप नगर अध्यक्ष मुफ्ती मसूर अहमद खान जी, लियाकत अंसारी साहब, शमीम अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहिद्दीन रिफाई जी, निसार देशमुख जी, सोनाली मारन जी, संतोषी अंतापुरकर, पाशा भाई शेर खान जी, खालिद पाटिल, सभी यहाँ पर स्टेज पे बैठे हुए बहुत सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी साथी, जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी, योग कांग्रेस सेवा दल महिला कांग्रेस की सभी पदाधिकारी, इस इलाके के रहने वाले हमारे तमाम बुजुर्ग नौजवान साथी भाई और बहनों, हमसे पहले सभी ने आप सबको आने वाली 30 तारीख को अंतापुरकर जी के बेटे को कांग्रेस के हाथ के पंजे के निशान के बगल का बटन दबाकर 30 तारीख को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। और हमें पूरा यकीनी नहीं इत्मीनान है मुफ्ती मुख्तार साहब को उनके ख्याल 30 तारीख की इजहार करने की दावत देता हूं। जब गिनती होगी तो इस इलाके का एक एक और कांग्रेस के उम्मीदवार को इंशाल्लाह ताला मिलेगा, ये हमें पूरा यकीन। आज मुल्क के हालात किस तरह के बनते जा रहे हैं आप सारे लोगों के सामने, ये चुनाव एक विधानसभा का उपचुनाव है। लेकिन इस चुनाव में महाराष्ट्र की तरफ से आप सबको एक संदेशा देना है पूरे हिंदुस्तान को कि मोदी सरकार जो आरएसएस की सोच पर चलने वाली सरकार 7 साल से देश में चल रही है, मुल्क में चल रही है, जो इस मुल्क के कौमी एकजहती को तार तार कर रही है, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है, इस मुल्क की सालमियत को पूरी तरह से खत्म करने के पीछे पड़ी हुई है, ऐसी सरकार अब आने वाले किसी भी चुनाव में इस सरकार की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव चुन के नहीं जाएंगे, यह मैसेज आपको इस चुनाव में 30 तारीख को देना। आप देखिए 7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आती है, मुल्क में बनती है, किस तरह के वादे किया था नरेंद्र मोदी जी ने, महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, मुल्क में अमन अमान कायम करेंगे, इस देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाएंगे। लेकिन एक भी काम हुआ देख रहे हैं आप?
महंगाई बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, तरक्की के नाम पर हिंदुस्तान 20 साल पीछे चला गया है। आखिर इस मुल्क को आजाद करवाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपनी बदन का एक एक कतरा खून दिया है, तब जाकर यह मुल्क आजाद हुआ है और आजाद भारत में हम रह रहे हैं। इस मुल्क को तबाह और बर्बाद होने नहीं देंगे हम लोग। इस मुल्क को बचाने की लड़ाई हमें लड़ना होगा। आज इस देश में सरकारी एजेंसियों का जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे ईडी हो, आईटी हो, चाहे आजकल नई एजेंसी बहुत शोर मचाए हुए है, वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने, एनसीबी हो, सीबीआई हो, इन सारी एजेंसियों का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है आप देख रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले शाहरुख खान के लड़के को, जो सिर्फ लाइन में खड़ा था, जिसके पास कोई भी तरह का ड्रग्स ना पिया था ना उसके पास बरामद हुआ, उसको गिरफ्तार करके 16-17 दिन से जेल में रखा गया है। और भारती नाम की एक्ट्रेस है जो बीजेपी की है, पिछले साल जब वो पकड़ी गई थी तो उसके ऊपर 200-250 ग्राम से, 1.25 किलो से ज्यादा उसके ऊपर गांजा वगैरह मिला था और उसको दूसरे दिन जमानत देकर उसको छोड़ दिया गया। क्या हो रहा है इस मुल्क में? जो उनके खिलाफ, उनकी नाकामियों के खिलाफ, उनकी गलतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, दूसरे दिन उसके घर पर ईडी की रेड पड़ती है, सीबीआई की रेड पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर कहते हैं कि अब फलाने के घर में ईडी आने वाली है, आईटी आने वाली है, सीबीआई आने वाली है। इस तरह का बयान दे देकर नेताओं को, लीडरों को डराकर उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, ये खामोश बैठने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी की क्यादत में इस देश का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई जब 47 के पहले अंग्रेजों से नहीं डरा, तो भारतीय जनता पार्टी किस खेत की मूली है? क्या जा? तो इन्हें समझना होगा। आज कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क में लड़ाई लड़ रही है, आरएसएस के खिलाफ, आरएसएस की सोच के खिलाफ, मोदी की गलत फैसले के खिलाफ, मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। आप देख रहे हैं कि कौन लड़ाई लड़ रहा है? कोई लीडर बोलने को तैयार है? अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे मुल्क में लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को साथ देने का काम आप सबको आने वाले दिनों में करना होगा मजबूती के साथ, क्योंकि जिस तरह से सवाल एक विधानसभा चुनाव का नहीं है, सवाल महाराष्ट्र की सरकार का नहीं है, सवाल इस मुल्क की सालमियत को बचाने का है, सवाल इस मुल्क की गंगा जमुनी जो तहजीब है, जो बर्बाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको बचाने का है। मैं तो हमेशा आप कहता हूं इस बात को कि एक लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने 47 के पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए, दूसरी लड़ाई इस मुल्क के रहने वाले अमन पसंद हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको मिलकर लड़ना होगा फिरका परस्त ताकतों से इस मुल्क को आजाद करवाने के लिए, तब ये मुल्क अमन का गहराया कहलाया जाएगा। ये हमें और आपको सबको मिलजुल कर देखना होगा, समझना होगा। आज का वक्त बहुत खराब और बुरे दौर से गुजर रहा है पूरा हिंदुस्तान, तो इसलिए आपको मुझे नांदेड़ जिले में की जरूरत नहीं है। एक सेक्युलर लीडर आपके बीच में है,
अशोक चौहान जी की कयादत में एक अच्छा माहौल बनाया जा रहा है। अशोक चौहान जी ने हमेशा नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे जिले में, मुझे याद है जब वो दो बार वजीर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने खास करके अकलियतों के फला बहबूद के लिए बहुत सारी स्कीम बनाने का काम किया। और मैं अकलती उमूर का वजीर था उस जमाने में उनकी कैबिनेट में, मुझे उन्होंने कहा कि नसीम खान जी महाराष्ट्र की अकलियत के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कीम महाराष्ट्र की अकलियत डिपार्टमेंट महकमे ने बनाना चाहिए। और हम लोगों ने 26 स्कीमें शुरू की पूरे महाराष्ट्र में, 44 से ज्यादा सेकेंडशिप की ITI शुरू किया, पॉलिटेक्निक शुरू किया और वक्फ बोर्ड की जमीनों को खाली करवाने की मुहिम शुरू की, उर्दू जबान को फरोग देने के लिए उर्दू घर की तामीर शुरू किया और सबसे पहला उर्दू घर नांदेड़ में बनाकर बनाने में हम लोग कामयाब हुए। और पिछले दिनों जब उसका इफ्तिता हुआ तो उस उर्दू घर का नाम मरहूम दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब के नाम पर रखने का फैसला हुआ। बहुत सारी चीजें हैं और ये कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर कौम को, हर समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके उनकी जो भी दुख है, तकलीफ है, तामीर और तरक्की के काम है, विकास के काम है, डेवलपमेंट के काम है, वो काम होने चाहिए और वो काम करने का काम किया। आज कहीं ना कहीं अलग अलग वक्त पर अशोक चौहान जी जैसे एक बेबाक लीडर को कमजोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रचती रही है टाइम टू टाइम। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि वोटों का बंटवारा करके किस तरह से नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप सबको मुत्तहिद होकर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एकजुट होकर एक साथ भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त पार्टी को कमजोर और खत्म करने के लिए कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे। हालांकि आप सारे लोग हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे हैं, अशोक चौहान जी के साथ रहे हैं, शंकर राव चौहान जी के जमाने से कांग्रेस के उम्मीदवारों को आप जिताते रहे हैं, चाहे असेंबली का मामला हो, नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हमेशा आप साथ देते रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे अपील करने आया हूं क्योंकि आज जरूरत है एक मैसेज देने की, एक संदेशा देने की, और वो उसकी शुरुआत आने वाली 30 तारीख को आपको करना है। एक नौजवान लड़का जो अंतापुरकर साहब का एक पढ़ा लिखा काबिल नौजवान है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी उम्मीदवारी दी है, उम्मीदवार बनाया है, उस काबिल नौजवान को आपको भारी वोटों से चुनकर भेजना है। ये अपील करने के लिए मैं आया हूं। आज हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, माहौल को आपको समझना होगा। सारे लोग मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी और अशोक चौहान जी का हाथ मजबूत करें, ये अपील करने के लिए नसीम खान बंबई से आपके बीच में आया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली 30 तारीख को आप सारे लोगों की दुआएं वोट के जरिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगी और कांग्रेस का हमारा उम्मीदवार भारी बहुमत से चुन के जाएगा। इसी अपील के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।